सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल कर प्रणव चैनल को और इस बेल नोटिफिकेशन को दबा के ट्रैवल एंड ट्रैकिंग रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखिए। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में 2000 डिफरेंट स्पीसीज है जुगनू के, फायरफ्लाइज के, उसमें से भी इंडिया में 7 डिफरेंट स्पीसीज है। इंटरेस्टिंग राइट? क्या आपने कभी जुगनू देखा है? इफ नॉट देन दिस इज द राइट टाइम टू सी जुगनू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्क्लेमर, अगर आप सिटीज में रह रहे हो, शहरों में रह रहे हो, तो जुगनू दिखना थोड़ा डिफिकल्टी है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर आप उन लकी लोगों में से हो जो एक्सटीरियर्स में रहते हैं, जो शहरों से बाहर रहते हैं, जो पहाड़ों के पास रहते हैं, जो जंगलों के पास रहते हैं, जो तालाबों के पास रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको जुगनू दिखेंगे एंड यही वो सही समय है। जब मैं कहता हूँ कि यही सही समय है, तो उसका मतलब यह है कि जस्ट बिफोर द मानसून्स एंड मानसून के पहले आपको पता ही है कि एक बारिश तो होती है, तो वो पहली बारिश एंड देन मानसून, उसके बीच में का जो गैप होता है ना, वही सही समय है जुगनू दिखने का। जनरली फायरफ्लाइज की साइज ज्यादा बड़ी नहीं होती है, इट्स अराउंड 15 mm to 25 mm, मतलब 1 inch से भी कम होती है। जुगनू बेसिकली मक्खियां नहीं होती है, आई मीन इंग्लिश में वर्ड है फायरफ्लाइज एंड फ्लाइज मीन्स मक्खियां, एक्चुअली ये बीटल्स होती है। सो एक बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन है कि ये मक्खियां होती है, बट नहीं, ये बीटल्स है। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि पूरी दुनिया में इसके 2000 डिफरेंट स्पीसीज है एंड स्पीसीज टू स्पीसीज इनका बिहेवियर चेंज होता है, ग्लोइंग पैटर्न चेंज होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन चेंज होता है, ब्लिंक्स पर सेकंड चेंज होते हैं, इनफैक्ट ग्लोइंग कलर भी चेंज होता है। सो इसीलिए इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इतने डिफरेंट स्पीसीज में डिवाइड किया एंड उन 2000 स्पीसीज में से इंडिया में 7 स्पीसीज है। सो बेसिकली ये ग्लो क्यों होते हैं, उसका भी एक रीजन होना चाहिए। सो ये ग्लो इस कारण होते हैं कि ये अट्रैक्ट करते हैं फीमेल्स को। ये जो पीरियड है, ये इनका मेटिंग पीरियड है। सारे मेल्स ग्लो करके फीमेल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मेटिंग के लिए ही ग्लो नहीं होते, कभी कभी ये वार्निंग साइन के लिए भी ग्लो होते हैं, कभी कभी किसी शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए भी ग्लो होते हैं। एंड जनरली ऐसा देखा गया है कि स्मॉल डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए 1 second से कम ही ग्लो होते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो जनरली 3 second या 3 second से ज़्यादा ग्लो करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर आर द फायरफ्लाइज फाउंड, कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं ये जुगनू। सो दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट में ये फायरफ्लाइज देखे जा सकते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। बेसिकली ये ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। सो दे आर जनरली फाउंड इन फॉरेस्ट, वेट लैंड्स, मार्शी लैंड्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, हर वो जगह जहाँ मॉइस्चर होगा, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होगी। सो अगर इंडिया में देखने जाओगे ना, तो इंडिया इज बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्री एंड यहाँ भी वेस्टर्न घाट का जो क्रेस्ट लाइन है उसका पेरिफेरल रीजन इज वेरी कंपेटेबल फॉर फायरफ्लाइज। एंड इसीलिए अगर महाराष्ट्र में देखने जाओगे ना, तो भंडारदारा रीजन है, भीमाशंकर रीजन है, कुरुशवाड़ी है, कुरुंगवाड़ी है, संदन वैली है, देन राधानगरी फॉरेस्ट रिजर्व है, कोयना फॉरेस्ट रिजर्व है, तो यहाँ अच्छे खासे फायरफ्लाइज दिखते हैं। एंड उसी के साथ अगर आप कर्नाटका में देखने जाओगे, तो अंशी डंडेली टाइगर रिजर्व है, कुर्ग रीजन में भी काफ़ी सारे फायरफ्लाइज दिखते हैं, इवन केरला में भी वायनाड है, पेरियार है, नागरहोल है, तो ये रीजन में फायरफ्लाइज बहुत अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है कि फायरफ्लाइज दिखते हैं इंडिया में, लेकिन मेरे ख्याल से बंगाल और असम में जहाँ वेटलैंड्स है, वहाँ डेफिनेटली फायरफ्लाइज दिखते होंगे। अगर आप किसी ने इस बारे में पढ़ा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बता देना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइंस बिहाइंड द फायरफ्लाइज, फायरफ्लाइज या जुगनू क्यों ग्लो करते हैं। तो ये जस्ट एक ब्रीफ समरी होगी, अगर आपको इनडेप्थ पढ़ना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो या केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, तो यू कैन चेक दैट लिंक एंड गेट सम नॉलेज फ्रॉम इट। तो बेसिकली ना, फायरफ्लाइज में एक एंजाइम होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाएगा तो एक केमिकल या कंपाउंड होता है जिसका नाम है लूसीफरीन, एंड लूसीफरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लूसीफरेस। लूसीफरेस इज अ कैटलिस्ट एंड ये रिएक्शन के बाद एक हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड निकलता है। एंड हम सबको तो पता ही है कि जब एक कोई एनर्जेटिक कंपाउंड निकलता है तो जनरली हीट लिबरेट होती है, लेकिन ये रिएक्शन में फोटॉन्स लिबरेट होते हैं एंड फोटॉन्स इन फॉर्म ऑफ लाइट। सो ये जो रिएक्शन होती है जिसके कारण फोटॉन्स निकलते हैं, उसके कारण लाइट निकलती है, तो ये फिनोमिनन को कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस, एंड बायोल्यूमिनेसेंस इज अ ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिएक्शन। एंड इसी के कारण जुगनू के पास एक कंट्रोल होता है, जितना ऑक्सीजन लेते हैं उस हिसाब से उन लोग ग्लो करते हैं। ये जो लाइट निकलती है उसका वेवलेंथ अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखने जाएंगे तो 510 टू 670 के अराउंड होता है, विच बेसिकली मीन्स ग्रीन टू रेड। इसका मतलब है कि अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कलर्स निकलते हैं, फ्रॉम ग्रीन टू रेड, किसी में ग्रीन, किसी में ग्रीनिश येल्लो, पेल येल्लो, येल्लो, येल्लोइश ऑरेंज, ऑरेंज एंड रेड। सो आज तक जो मैंने इंडिया में देखा है ना, वो जनरली अराउंड ग्रीनिश येल्लो टू येल्लो है,
मैंने कभी ऑरेंज या रेड नहीं देखा या इवन ग्रीन नहीं देखा। सो ये डेफिनेटली आउटसाइड इंडिया स्पीसीज होंगे जिसमें ये कलर्स आते हैं। और अगर आपको ये स्पीसीज के टेक्निकल नेम्स चाहिए, उनका इनडेप्थ नॉलेज चाहिए, तो एक और एक लिंक देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, जो कि fireflies.com। वो लिंक पे जाइए एंड उसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए हैं एंड कौन से रीजन में कौन सा स्पीसीज मिलता है वो भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आप ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ 15 या 20 दिन क्यों दिखते हैं। बेसिकली 15 से 30 दिन उनका एक एडल्ट फेज है, ये पूरी इनकी एक लाइफ साइकिल है, उसमें का एक छोटा सा फेज है। बेसिकली ये 15 से 30 दिन में इनका मेटिंग पीरियड होता है। मेल्स फीमेल्स के साथ मेटिंग करते हैं एंड फीमेल्स जैसे ही मानसून चालू होता है किसी ना किसी वाटर बॉडी में एग्स ले करते हैं एंड दोज एग्स विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ फायरफ्लाइज हैच आउट ऑफ द 3 weeks एंड गोज इनटू द सेकंड फेज ऑफ फायरफ्लाइज विच इज नोन एज लार्वी। एंड ये लार्वी सीधे 40 weeks हाइबरनेट होती है अंडर द सॉइल। आफ्टर फेज 2 दे कन्वर्ट इनटू फेज 3 विच इज नोन एज सब एडल्ट और प्यूपा। इसमें लार्वी सॉइल के बाहर आती है, ऑब्वियसली कन्वर्ट होती है प्यूपा में एंड ये जो फेज है वो अगेन 3 weeks का फेज है। एंड ये फेज में प्यूपा उनसे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है। बेसिकली फायरफ्लाइज आर कार्निवोरस, वो लीव्स या ग्रास नहीं खाती, वो इंसेक्ट्स ही खाती है। एंड आफ्टर 3 weeks दे अगेन कन्वर्ट इनटू एडल्ट एंड द लाइफ साइकिल गोज ऑन। और ये फेजेस में भी स्पीसीज टू स्पीसीज वैरायटी है। इंडिया में जो है वो बेसिकली सिर्फ सब एडल्ट एंड एडल्ट फेज में ही ग्लो करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया है कि एग्स भी ग्लो करते हैं, लार्वी भी ग्लो करती है एंड अगेन सब एडल्ट एंड एडल्ट तो ग्लो ही करते। तो ये अलग अलग फेजेस में भी स्पीसीज का डिफरेंस है। सो ये जो बायोलुमिनेसेंस है वो सिर्फ फायरफ्लाइज में अप्लाई नहीं होता, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें भी बायोलुमिनेसेंस होता है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे या फोटोज देखे होंगे, स्पेशली मालदीव या लक्षद्वीप में, जहाँ बीच पे पूरा एक ग्लोनेस होता है, ब्लूइश ग्लो होता है। तो अगेन वो बायोलुमिनेसेंस का एक इफेक्ट है एंड वो स्पेसिफिक एक्वेटिक एनिमल में वो बायोलुमिनेसेंस ऑकर हो रहा है। एंड उसी के साथ कुछ फंगस या फंगाई में भी बायोलुमिनेसेंस होता है, दुनिया में कहीं जगह देखा गया वैसा, लेकिन स्पेशली इंडिया के राधानगरी फॉरेस्ट में विच इज इन कोल्हापुर, वहाँ भी ये इफेक्ट नोटिस किया गया है एंड उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड वो इंडिया में भी है। सो आई होप मैंने सारे बेसिस कवर किए होंगे फायरफ्लाइज के बारे में। कुछ मिस किया होगा तो डेफिनेटली कमेंट में बता देना एंड पसंद आया तो भी बताना। विद दिस आई विल रैप अप, सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर।